आई एम विजय कुमार, मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको सीक्वेंस में लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस लेक्चर में हम करेंगे ग्लूकोमा। दोनों टाइप्स में आपको बताऊंगा, ओपन एंगल में क्या होता है, एंगल क्लोजर में क्या होता है, मैं एक्वस ह्यूमर का फ्लो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आई, जिसके अंदर ये ब्लैक डॉट्स जो दिख रही हैं ये होता है एक्वस ह्यूमर। दिस इज क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। जब ये एक्वस ह्यूमर ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, दो कारणों की वजह से, मैं आपको कारण दोनों बताऊंगा। जब ये एक्वस ह्यूमर ज़्यादा होगा तो आईओपी बढ़ जाएगा, इंट्रा ओकुलर प्रेशर जिसे हम बोलते हैं। जब ये इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ जो ऑप्टिक डिस्क लगी हुई है, ऑप्टिक नर्व का जो हेड है, जो ऑप्टिक डिस्क है, इस डिस्क के अंदर प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से डैमेज होगा इस डिस्क को, एंड लॉस ऑफ विजुअल सेंसिटिविटी हैपेंस। इन पेशेंट्स को हम ग्लूकोमा के पेशेंट्स बोलते हैं, जिनके अंदर ये एक्वस ह्यूमर बढ़ा हुआ होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। मैं आपको बता देता हूँ, इंट्राओकुलर प्रेशर 20 mmHg होता है, नॉर्मली 16 से 21 बोल लें हम। अगर 20 से ज़्यादा अगर हो इंट्राओकुलर प्रेशर तो वो ग्लूकोमा वाली कंडीशन होगी। तो ये प्रेशर ज़्यादा हुआ कैसे? पहली बात कि इस एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ही ज़्यादा हो रही है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ अगर देख सकते हो तो ये है आयरिस और ये सिलियरी बॉडी, ये लेंस है और ये सिलियरी बॉडी है, और बीच में सस्पेंसरी लिगामेंट से लेंस जो है वो कनेक्टेड है सिलियरी बॉडी से। सिलियरी बॉडी से प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर होती है, यहाँ से बना इस सिलियरी बॉडी से, और ये जाएगा इस एंगल में, इस एंगल में जिसे हम बोलते हैं इरिडो कॉर्नियल एंगल। ये आयरिस रहा और ये रही कॉर्निया, इसके बीच में जो ये आयरिस रहा, ये रही कॉर्निया, सॉरी दिस इज नॉट, ये आयरिस और इसके बीच में कॉर्निया, और जो ये एंगल बना इसको बोलते हैं हम इरिडो कॉर्नियल एंगल। जब ये इरिडो कॉर्नियल एंगल जो है, ये वाला एंगल कम होगा तो जाहिर सी बात है इसकी ड्रेनेज जो है वो रुक जाएगी, दूसरा सिलियरी बॉडी से प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एक्वस ह्यूमर वैसे ही बढ़ जाएगा। तो ये है 80% जो आउटफ्लो होती है जिसे ड्रेनेज बोलते हैं, वो ट्रैबेकुलर मैशवर्क के थ्रू होती है। ट्रैबेकुलर आउटफ्लो जिसका नाम दिया है, ये जाला की तरह होता है, मैशवर्क की तरह, ट्रैबेकुलर मैशवर्क जिसको हम बोलते हैं कैनाल ऑफ स्क्लीम। इस एंगल को हमने बोला यहाँ पे है कैनाल ऑफ स्क्लीम, इस एंगल के अंदर जो है वो कैनाल ऑफ स्क्लीम है, जिसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रैबेकुलर मैशवर्क है जहाँ से इस एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज होने वाली है। दूसरा 20% ये ड्रेन होता है सब कोरोइडल स्पेस के अंदर। ये रहा सब कोरोइडल स्पेस, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ बना और इस एंगल के थ्रू होता हुआ पीछे जाएगा रेटिना और रेटिना की बाकी लेयर्स के बीच में, कोरोइड के बीच में, जैसे हमने बोल दिया सब कोरोइडल स्पेस, सब कोरोइडल स्पेस। इस सब कोरोइडल स्पेस में 20% हमारा एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, बाकी का 80% ड्रेन हो जाता है इरिडो कॉर्नियल एंगल के थ्रू, कैनाल ऑफ स्क्लीम आपको याद रखना होगा। तो मैंने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन एंगल और दूसरा होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। मैं बता ही देता हूँ, पहले वाले के अंदर प्रोडक्शन बढ़ गई और दूसरे वाले के अंदर ड्रेनेज घट गई। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इन आउटफ्लो चैनल्स, आउटफ्लो चैनल्स वही ट्रैबेकुलर मैशवर्क्स और वही इरिडो कॉर्नियल एंगल कैनाल ऑफ स्क्लीम की बात कर रहा है ये आउटफ्लो चैनल्स में। रेजिस्टेंस इन दीज आउटफ्लो चैनल, जिसकी वजह से आईओपी जो है वो 20 से ज़्यादा हो जाएगा, इंट्राओकुलर प्रेशर एंड ग्लूकोमा, नर्व ऑप्टिक नर्व का जो हेड है वो डैमेज हो सकता है। अब मैं ये भी बता देता हूँ ये थोड़ा सा डिटेल की किन आदमियों में होता है। ओपन एंगल जो होता है वो होता है क्रोनिक, धीरे धीरे बढ़ता है। ओपन एंगल को हम बोलते हैं सिंपल ग्लूकोमा, क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा, कि भैया इसके अंदर जो ट्रैबेकुलर आउटफ्लो है, ये ट्रैबेकुलर आउटफ्लो अफेक्टेड है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये ड्रेन नहीं हो पा रहा यहाँ से। तो ड्रेन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली एक्वस ह्यूमर बढ़ जाएगा। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंगल क्लोजर में क्या होता है। अब एंगल क्लोजर का आप जान ले, ये दोनों आँखों के साथ, दोनों आँखें एक साथ अफेक्टेड होंगी इसके अंदर। एंगल क्लोजर में क्या होता है,
जो आयरिस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइज में घट जाएगा। थिक एंड शॉर्ट आयरिस लीड्स टू डिक्रीज इन द आउटफ्लो बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड इरिडो कॉर्नियल एंगल। इसके अंदर एंगल घट गया, इसके अंदर ट्रेबेकुलर आउटफ्लो के अंदर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। तो आप ये जान लीजिए ये एंगल क्लोजर जो ग्लूकोमा है ये बूढ़ों के अंदर देखा जाता है जनरली 40 साल की उम्र के बाद, मोस्ट इन फीमेल्स, 4:1 रेशो है, फीमेल्स में ये ज़्यादा देखा जाता है। आप ये देख लीजिए इधर जो इरिडो कॉर्नियल एंगल है, ये वाला इरिडो कॉर्नियल एंगल, ये मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, ये वाला जो इरिडो कॉर्नियल एंगल है ये इस आयरिस के थिक एंड शॉर्ट होने की वजह से जो है वो घट जाएगा, ये इरिडो कॉर्नियल एंगल, जिसकी वजह से ड्रेनेज जो है वो कम हो जाएगी एक्वस ह्यूमर की, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। एंगल क्लोजर मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद क्लिनिक्स में कैसे आएगा ये पेशेंट और हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसको हम कौन सी दवाइयाँ देंगे जिसकी वजह से या तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम कर दें हम या फिर उसकी ड्रेनेज जो है वो बढ़ा दें हम। जनरली एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।